टुडे वी आर गोइंग टू सी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट माइट कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो बी रेडी, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन विल श्योरली कम. फाइन, इन दैट अ पीरियोडिक टेबल इज गिवन. फाइन, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ. सो लेट्स रीड द टेबल फर्स्ट. कैन यू सी द टेबल? सो फॉलोइंग डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच ग्रुप नंबर 3 to 12 जो हम नहीं पढ़ते हैं वो इसमें दी भी नहीं हुई है. ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, 13 to 18 हमारे सारे नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, जिसमें 13 जो है वो बोरॉन फैमिली, देन कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली. लेट्स राइट डाउन. ठीक है, विच इज दिस? दिस इज बोरॉन फैमिली, this one is your carbon family, this one is your nitrogen family, this is oxygen family, this is halogen family, and the last one is your noble gases. जैसे कि argon हो गया तुम्हारा, हाँ, helium, पहला तो helium ही होता है बेटा. ठीक है, फिर ये argon, neon, xenon, ये helium family. Fine, okay, fine. So that is a noble gas family. ठीक, चलो. Now let's find out the answer number 1. सेलेक्ट द लेटर्स. अच्छा, एक बार और रीड कर लेते हैं. इधर जितने होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं, इधर सारे नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द एल्कली मेटल. एल्कली मेटल इधर होगा और इधर होगा, बताओ. तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सो एल्कली मेटल इज ओनली दिस वन. आप कहोगे मैम ए क्यों नहीं? ए इसलिए नहीं बेटा, बिकॉज फर्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऑल्दो इट इज प्लेस्ड इन दिस ग्रुप बट इट इज नॉट अ मेटल. फाइन, लेकिन इस ग्रुप में सारे मेटल्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, है ना. इस ग्रुप को हम लिखें अगर तो ये क्या होगा? है ली ना की रब से फरियाद. तो सारे के सारे मेटल्स होते हैं. सो द आंसर इज डी. फर्स्ट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द नोबल गैसेस. सो नोबल गैसेस इज, यू नो दैट नोबल गैसेस वो होती है जिनका ऑक्टेट फिल होता है जब से एंड में आती है. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट, सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट अ हेलोजन. हेलोजन वो होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं. फाइन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो कौन से हैं? 17. सो आंसर इज ई. ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ए एंड ई. ए एंड ई, सो लेट्स सी द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए. सो व्हाट इज ए? ए इज हाइड्रोजन. That means H. And what is E? E is halogen. So हम कोई भी halogen से हमें पता है कि पहला fluorine होता है, दूसरा chlorine होता है. Fluoro, chloro, bromo, iodo. लिख लो. Fluoro, chloro, bromo, iodo. Fine. अभी halogen है. तो this is halogen. So it is chlorine. अगर मान लो आपको क्लोरीन नहीं भी याद है तो ये एक नॉन मेटल है. ओके, इधर ये मेटल है, इधर ये नॉन मेटल है. फाइन, अच्छा, आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, सबसे टॉप पे है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा. क्लोरीन 17 है. मजे की बात यह है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी 17 ही होता है. फाइन, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 2 8 7. फाइन, ऑलवेज एक्सेप्ट, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन मेटल. तो अगर क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? -1. क्यों? बिकॉज इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट ही करना है. ये सोनो, क्यों? क्योंकि अगर डोनेट कर देगा तो बिल्कुल खाली हो जाएगा बेटा. फाइन, सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर बिटवीन एच एंड सी एल? सो एच इज हैविंग, लेट्स राइट डाउन ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एंड सी एल इज हैविंग हाउ मेनी? 7. ओनली वी आर राइटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो क्लोरीन नीड 1 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड दिस ऑल्सो नीड 1 टू कंप्लीट इट्स शेल. तो ये क्या करेगा बेटा? ये देगा लेगा नहीं, इट विल शेयर. देखो, नाउ क्लोरीन हैज शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन विद इट हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो शेयरिंग. सो क्लोरीन इज ऑल्सो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, एंड हाइड्रोजन हैज ऑल्सो गॉट 2 इलेक्ट्रॉन. फाइन, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. फाइन,
सो दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज माय आंसर? ए और ई के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. आई होप इट इज क्लियर. नाउ आई होप इट इज क्लियर कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डी एंड ई? What is D? D is a metal. And what is E? E is a non-metal. हमेशा याद रखना. What is D? What is D बेटा? D is a metal. Fine. And what is E? E is a non-metal. Fine. Metal always donate. Metals always donate, so they are positive. Non-metals always accept. Non-metals always accept, so they have negative. And the bond which is formed by these ions. ये क्या है? आयन्स. ये भी आयन, ये भी आयन. फाइन, कटायन एनायन. तो इफ द बॉन्ड इज फॉर्म बाय इन बिटवीन टू आयन्स इट इज ऑलवेज अ आयोनिक बॉन्ड. ओके बेटा, फाइन, क्लियर. द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल इज ऑलवेज विच टाइप ऑफ बॉन्ड? दैट इज आयोनिक. I hope it is clear to you. Very easy questions they'll come. Now come to the next question.